है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शुप्रा सैनी। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद अब विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट काफी तेज हो चुकी है। दरअसल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को बनाया गया, जिसके बाद परिसीमन की प्रक्रिया शुरू हुई और अब वो परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने जा रही है, लगभग पूरी हो चुकी है और अब चुनावों की सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। आपको ये बता दें कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के परिसीमन के लिए गठित आयोग का कार्यकाल 6 मई को खत्म हो रहा है और ये माना जा रहा है कि परिसीमन आयोग 6 मई से पहले जम्मू कश्मीर के परिसीमन की प्रक्रिया पूरी करके अपनी रिपोर्ट जो है वो जल्द ही सौंप देगा। ये साफ तौर पर जानकारी सामने आई है। परिसीमन आयोग की ओर से जम्मू कश्मीर विधानसभा में कश्मीरी पंडितों के लिए प्रतिनिधित्व की सिफारिश भी की जा सकती है। ये भी अपने आप में बड़ी खबर है कि दरअसल जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ, अब उन कश्मीरी पंडितों को जम्मू कश्मीर विधानसभा में प्रतिनिधित्व मिले, इसकी सिफारिश परिसीमन आयोग की ओर से की जा सकती है। और खबर जो सामने आ रही है, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है, उसके मुताबिक परिसीमन आयोग कश्मीरी पंडितों के लिए जम्मू कश्मीर विधानसभा में नामित सदस्य के रूप में प्रतिनिधित्व दिए जाने की सिफारिश कर सकता है। परिसीमन आयोग की ओर से कश्मीरी पंडितों के लिए मतदान के अधिकार की भी सिफारिश कर सकता है। जानकारी के मुताबिक परिसीमन आयोग पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के विस्थापित लोगों को भी विधानसभा में प्रतिनिधित्व देने की सिफारिश कर सकता है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। आपको ये बता दें कि जम्मू कश्मीर से 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को खत्म किया गया, यानी जो विशेष राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को मिला हुआ था उसे खत्म कर जम्मू कश्मीर को लद्दाख और जम्मू कश्मीर दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया, जिसके बाद से परिसीमन की प्रक्रिया लगातार जम्मू कश्मीर में चल रही है। केंद्र सरकार की कोशिश ये है कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराकर वहाँ जम्मू कश्मीर का खुद का मुख्यमंत्री हो। ये इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर चुके हैं और अब जो जानकारी मिल रही है वो यही है कि परिसीमन की प्रक्रिया लगभग पूरी होने जा रही है। एक और बड़ी जानकारी जो निकलकर सामने आई है वो ये है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव इस साल अक्टूबर में सर्दी शुरू होने से पहले या फिर अगले साल फरवरी 2023 में सर्दियाँ खत्म होने के बाद हो सकते हैं। यानी जो विधानसभा चुनावों की सुगबुगाहट है कहीं ना कहीं तेज हो चुकी है और इस साल भी चुनाव हो सकते हैं या फिर अगले साल यानी 2023 के शुरुआत में भी चुनाव हो सकते हैं, कि अभी जो जानकारी है ये सामने आ रही है। तो जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस लगातार अलगाववाद और पत्थरबाज की राजनीति करती नजर आई है, जिस तरीके से उन्होंने आर्टिकल 370 खत्म होने का भी लगातार विरोध किया है, विशेष राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को वापस मिले ये सिफारिश उनकी तरफ से लगातार की जा रही है। केंद्र सरकार पर, मोदी सरकार पर तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच बड़ी खबर यही है कि अब जल्द ही विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर में होंगे और जिसकी तारीखें हालांकि सामने नहीं आई हैं, लेकिन इतना जरूर जानकारी निकलकर सामने आई है कि परिसीमन की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और 6 मई को परिसीमन आयोग का जो गठन जम्मू कश्मीर के लिए किया गया था उसका कार्यकाल भी खत्म हो रहा है। तो ऐसे में 6 मई से पहले परिसीमन की पूरी जानकारी, पूरी रिपोर्ट जो है वो परिसीमन आयोग जो है वो सौंप सकता है। तो ये तमाम बड़ी जानकारी है जो निकलकर सामने आई है। वहीं जानकारी के मुताबिक परिसीमन आयोग पाकिस्तान की कब्जे वाले कश्मीर के विस्थापित लोगों को भी विधानसभा में प्रतिनिधित्व देने की सिफारिश कर सकता है। बीजेपी के जम्मू कश्मीर के प्रवक्ता रणवीर सिंह पठानिया और कश्मीरी पंडित राजनीतिक कार्यकर्ता अश्वनी चरंगपू ने ये साफ तौर पर कहा है कि कश्मीरी पंडितों को जम्मू कश्मीर की विधानसभा में प्रतिनिधित्व और मतदान का अधिकार मिलने की उम्मीद
जताई है। तो साफ तौर पर जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं कश्मीरी पंडितों को लेकर एक बार फिर आवाज तेज हुई है, कश्मीरी हिंदुओं को लेकर आवाज बुलंद हुई है। जिस तरीके से द कश्मीर फाइल्स हाल ही में वो फिल्म हमारे सामने आई, जिस तरीके से उसमें दिखाया गया कि आखिर क्या कुछ हालात उस वक्त जम्मू कश्मीर में बने थे और किन हालातों में कश्मीरी पंडितों को वहां से जो है भागना पड़ा था और देश के अलग अलग कोने में जाकर रहने को वो मजबूर हुए थे, किस तरीके से वो उन्होंने टेंट में अपनी जिंदगी गुजारी है, किस तरीके से उन्होंने अपना जीवन यापन किया है, ये तमाम तस्वीरें थी जो सामने आई थी। और जाहिर तौर पर कश्मीरी पंडितों को लेकर एक बार फिर चर्चा देश में तेज हुई कि किस तरीके से उनकी निर्मम हत्या कर दी गई, बच्चों से लेकर महिलाओं और बुजुर्गों तक नहीं बख्शा गया। ये तमाम तस्वीरें हैं जो द कश्मीर फाइल्स के जरिए कहीं ना कहीं कश्मीरी हिंदुओं पर जो नरसंहार कश्मीर में हुआ उसकी सच्चाई ये फिल्म बयां करती है। और हम ये भी देख रहे हैं कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद लगातार कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास की कोशिशें मोदी सरकार की ओर से जारी हैं, लगातार उन्हें वहां नौकरी देने का काम जो है वो मोदी सरकार कर रही है, किस तरीके से उन्हें उनकी वापस खोई हुई जमीन, खोया हुआ घर मिले इसके लिए बाकायदा एक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी सरकार की ओर से शुरू की गई है। तो ये तमाम बदलाव हैं जो जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद दिखाई दिए हैं। हालांकि जिस तरीके से गुपकार गठबंधन का गठन किया गया, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और तमाम जो वहां की क्षेत्रीय दल थे, जो राजनीतिक पार्टियां थी जम्मू कश्मीर की, वो एकजुट हो गई सरकार के इस फैसले के खिलाफ और उन्होंने कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की कोशिश की। लेकिन केंद्र सरकार ने साफ तौर पर जवाब दिया है कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद वहां लगातार जो परिस्थिति है वो बदल रही है। पहले जिस तरीके से कश्मीर से लेकर श्रीनगर तक पत्थरबाज और अलगाववाद की राजनीति के तमाम क्षेत्रीय पार्टियां करती रही हैं, फिर चाहे वो महबूब मुफ्ती की पार्टी पीडीपी हो या फिर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, लेकिन अब इन्हीं पत्थरबाजों अलगाववादियों पर लगाम लगाई गई है। अब जम्मू कश्मीर में बदलाव है, अब युवा पत्थर उठाने के बजाय हाथों में बंदूक उठा रहे हैं और फौज में भर्ती हो रहे हैं। ये बड़ी बदलाव है जो जम्मू कश्मीर में देखने को मिला है। जो जम्मू कश्मीर स्वर्ग कहलाता है, जो जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, उस जम्मू कश्मीर को किस तरीके से अलग करने की कोशिशें हुई, लेकिन आज वहां लगातार जो टूरिज्म है उसके रास्ते खुल रहे हैं, टूरिज्म के लिए सरकार बड़े कदम उठा रही है। तो जम्मू कश्मीर एक बार फिर से कहीं ना कहीं स्वर्ग बन रहा है, ये साफ तौर पर तस्वीरें बयां कर रही है। और यही वजह है कि मोदी सरकार की ओर से कोशिश यही है कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए जाएं। डेट अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन इतनी खबर जरूर सामने आई है कि इस साल के अंत या फिर 2023 के शुरुआत में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होंगे। वहीं आपको ये भी बता दें कि महबूब मुफ्ती लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है, इसको लेकर वो बीजेपी पर कई बार निशाना साध चुकी हैं, परिसीमन प्रक्रिया का भी विरोध कर चुकी हैं। आपको बताते हैं पीडीपी जो अध्यक्ष हैं महबूब मुफ्ती, वो बीजेपी पर निशाना साधते हुए यहां तक कह चुकी हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को अपने दिल की बात कहने का भी कोई अधिकार नहीं है। परिसीमन आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है, बीजेपी अपने निर्वाचन क्षेत्र को मजबूत करना चाहती है, उनका मकसद बहुसंख्यक समुदाय को शक्तिहीन करना है। उन्होंने ये भी कई बार कहा है कि बीजेपी देश को गोडसे के हिंदुस्तान में तब्दील करने की कोशिश कर रही है। यानी साफ तौर पर जो तस्वीर जम्मू कश्मीर की बदल रही है उससे महबूब मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला को काफी उनकी बौखलाहट जो है वो वक्त वक्त पर देखने को मिली है। सरकार अगर जम्मू कश्मीर के हित में कोई भी फैसला ले रही है, अगर वहां सेना को अधिकार दिया जा रहा है, अगर वहां सेना कार्रवाई कर रही है, तो उससे भी उनकी बौखलाहट बढ़ रही है। ये लगातार हमने उनके बयानों में देखा है, जिस तरीके से महबूब मुफ्ती के तमाम अलग अलग मामलों को लेकर बयान सामने आए हैं। लेकिन आज यही जम्मू कश्मीर बदल रहा है, आतंक और अलगाववाद का साया कहीं ना कहीं छट रहा है और किस तरीके से जम्मू कश्मीर एक बार फिर से वहां के युवा, वहां के जो बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं, वो
सेना में भर्ती हो रहे हैं, वो बड़े बड़े पोस्ट पर अधिकारी बन रहे हैं। ये तमाम बदलती तस्वीरें हैं जो जम्मू कश्मीर में दिखाई दे रही है। अब वो डर का साया नहीं है। जिस तरीके से श्रीनगर के लाल चौक पर कहीं ना कहीं खूनी संघर्ष देखने को मिलता था, लेकिन आज श्रीनगर के उसी लाल चौक पर तिरंगा फहरा रहा है। ये तमाम बड़े बदलाव हैं जो जम्मू कश्मीर में हुए हैं। तो कुल मिलाकर एक तरफ परिसीमन की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है, और अब बड़ी खबर यह है कि कश्मीरी पंडित जिन्हें वहां से बाहर निकाला गया, जिन्हें वहां से बेदखल कर दिया गया, अब उन्हीं कश्मीरी पंडितों को जम्मू कश्मीर विधानसभा में प्रतिनिधित्व की सिफारिश परिसीमन आयोग की ओर से की जाएगी। ये बड़ी जानकारी मिली है, यानी अब जम्मू कश्मीर विधानसभा में नामित सदस्य के रूप में प्रतिनिधित्व दिए जाने की सिफारिश परिसीमन आयोग कर सकता है कश्मीरी पंडितों को। ये बड़ी खबर है। तो वहीं बड़ी जानकारी ये भी निकलकर सामने आई है कि जल्द ही जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।